बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं एक कदम भीम मिशन की ओर यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर को लेकर। खबर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से निकलकर आ रही है। 8 दिसंबर को जो भारत बंद होने वाला है उसमें बहुजन समाज पार्टी मैदान में उतर के किसान भाइयों का करेगी समर्थन। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर एक बहुजन समाज के व्यक्ति के पास, हर एक देश के किसान के व्यक्ति के पास अवश्य पहुँचा दें। साथियों, अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो देश का पेट भरने वाला किसान है लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है, मैदान में डटा हुआ है, जो 3 कानून आए हुए हैं उनके लिए, उनको वापस कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। साथियों, इसी बीच जो विपक्ष है, विपक्ष भी सरकार पर अपना वांडा फोड़ चुका है, अपना गुस्सा फोड़ चुका है। साथियों, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज 7 नवंबर है, आज बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्वीट करके किसानों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ और कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ संघर्ष करेगी। और ये भी कहना है जो 3 कानून लाए गए हैं किसानों के लिए, उनको केंद्र सरकार वापस ले, किसान इससे सहमत नहीं है और बहुजन समाज पार्टी किसानों के साथ हैं। साथियों, इसी बीच एक और सबसे बड़ी खबर निकल कर आती है जो कि मध्य प्रदेश डबरा विधानसभा क्षेत्र से निकल कर आ रही है। आप लगातार स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे जो कि बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही ज़्यादा समर्थन करते बहुजन समाज पार्टी का दावर नेता रहे संतोष गौर ने जो खुला ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी डबरा में किसान भाइयों के साथ मैदान में उतरकर कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेगी। साथियों, भीम आर्मी ने भी ऐलान कर दिया, भीम आर्मी भी किसानों के साथ है और जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी किसानों के साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी हो गई थी 7 नवंबर को, और जो यानी किसानों के आंदोलन में जो हिस्सा बनने के लिए मैदान में उतरे थे, इसीलिए अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया था 7 नवंबर को। साथियों, हम आपको बता दें कि विपक्ष पूरा किसानों के साथ है। तो केंद्र सरकार अपने फैसले पर डटी हुई है, अपना जो जिद है उस पर अड़ी हुई है, किसानों की कहीं ना कहीं बात उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस वक्त हमारी समझ में तो यही आ रहा है, किसान अपने मैदान में डटा हुआ है, जो उनके लिए कानून लाए गए हैं उनको वापस कराकर ही दम लेगा, किसान का ये ऐलान है। और साथियों, आप देख रहे थे एक कदम भीम मिशन की ओर यूट्यूब चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में 2 घंटी को बस दबाएं। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर एक बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम।